कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी जालोर। आज का हमारा नया टॉपिक है वाई पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर। मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया, जेड वाले मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया। लेट माना कि ए बराबर मैंने मान लिया जेड वन वन, जेड वन टू, जेड टू वन, जेड टू टू। तो ए इनवर्स कितना होगा? ए इनवर्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा जेड वन वन, जेड वन टू, जेड टू वन और जेड टू टू का इनवर्स। y पैरामीटर और z पैरामीटर में आपस में एक रिलेशनशिप होता है। ये y पैरामीटर को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ये z पैरामीटर को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इस मैट्रिक्स को मैंने a सपोज कर दिया, तो a बराबर ये मैट्रिक्स तो a इनवर्स क्या होगा? इसके ऊपर इनवर्स। देन a इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होना जरूरी है, एडजॉइंट ऑफ a और उसका डिटरमिनेंट। जैसे कि हमने मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ रखा है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमें दो चीजों को पता होना चाहिए, एडजॉइंट और इनवर्स। तो ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए एक्सप्रेशन होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ए। यहाँ पे ए मैट्रिक्स के अंदर की ए मैट्रिक्स हमारे पास है जेड वन वन, जेड वन टू, जेड टू वन और जेड टू टू। तो ये हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकालने का तरीका होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ए। तो मैंने बता रखा है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए मैंने एडजॉइंट डायरेक्ट निकालना बता रखा है। अभी हमारे पास मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है इन एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। जो डायगोनल एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर दो, तो z22 z11 बाकी के जो एलिमेंट है इनके साइन चेंज कर दो, माइनस z12 माइनस z21। ये क्या हुआ इस मैट्रिक्स का क्या हो गया? एडजॉइंट हो गया। अब मुझे क्या निकालना है इस मैट्रिक्स का? क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किया z11 into z22, फिर बीच में माइनस लगाइए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे z12 z21, और इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल z बोलते हैं। जैसा कि मैंने z पैरामीटर पढ़ाते टाइम बताया था कि डेल z बराबर होता है z11 z22 माइनस z12 z21। तो मोड a की वैल्यू कितनी आ गई? मोड a की वैल्यू आ गई डेल z, मोड a की डेल z मतलब कि अपने पास क्या आ गया, सारणी की वैल्यू, सारणी की वैल्यू कितनी आ गई, डेल z आ गया। तो a इनवर्स क्या होता है? a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मोड a। तो डिवाइड कर दो, वैल्यू कितनी है, z
निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, और इसको डिवाइड करना होता है हमेशा किससे, उसके प्रोडक्ट से, Z11 माइनस Z12 Z21, और ये किसके बराबर था, y के बराबर था, y किसके बराबर था, z इनवर्स के बराबर था और z इनवर्स ये रहा, तो इसके लिए किसके बराबर आएगी, इसको डिवाइड कर दो, Z22 माइनस Z12 माइनस Z21 Z11, और इसको मैंने क्या बताया था, नीचे वाले जो नीचे हर में लिखा हुआ है Z22 into Z11 माइनस Z12 Z21, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल Z बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं, डेल Z बोलते हैं, अपॉन डेल Z, आपको y11 पता होना चाहिए z22 के टर्म में, क्योंकि y11 ऑलवेज डिफाइंड होता है z22 के लिए,
पूछ रहा है क्या, वाई वन वन, तो वाई वन वन, वाई वन वन जेट प्राइवेट के फॉर्म में क्या होता है,